गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा थर्ड डे है टोरंटो। हम लोग जा रहे हैं, तीन दिन से हम टोरंटो जा रहे हैं और इतना फन कर रहे हैं। और आज जब भी बारिश है, तीन दिन से ही एक्चुअली बारिश हो रही है ना, फर्स्ट डे से जब से हम जा रहे हैं बारिश हो रही है, बट हम लोग फिर भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे कुछ फ्रेंड आए थे हैलीफैक्स से और हम लोग उनके साथ इंजॉय कर रहे थे, पूरा लाइक घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खाने खा रहे थे। आप लोगों को याद हो हम 2 years back हैलीफैक्स गए थे बाय रोड, हम लोगों ने बहुत फन किया था तब भी। उसके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाईलाइट्स, आप देखो जब हम लोग गए थे वहाँ बाय रोड। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो हम लोग तब उनसे मिलने गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। हम 1 week के लिए रुके थे वहाँ पे तब, और आज वो 2 years के बाद हमें मिलने आए हैं, बट बहुत ही शॉर्ट विजिट था, लाइक 2 days के लिए वो रुके थे और आज वो चले गए हैं। बट स्टिल हम लोग आज जा रहे हैं टोरंटो कुछ और लाइक शॉपिंग वगैरह करनी है हमें, क्योंकि 2 दिन तो हम उनके साथ ही घूमते रहे थे। और वो सारे भी मैं डाल रही हूँ जो हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। हमने खाना खाया, हम लोगों ने वहाँ पे गेम्स खेली। सो अमर इज द विनर। हमें सोचा था जो जीतेगा वो बिल देगा, तो अमर बिल देगा। खाना खा लिया है हमने एंड चेक दिस आउट। और हम लोगों ने चाय पी, क्या क्या किया, शॉपिंग की उनके साथ। अब हम लोग बोनांजा सतरंगी में आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे आके इतना मज़ा आता है, दिल ही नहीं करता यहाँ से जाना। शॉपिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे, हमने चाय पीनी है और हमने कुछ खाना है। खाना हम खा चुके हैं, वो आप लोग को दिखा दिया था। और मैंने अपनी लुक भी नहीं दिखाई। वो फिर हमारे घर आए, हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया, वो वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट वी हैड सो मच फन। और उनकी जो बेटी है सोफिया, वो बहुत ही क्यूट सी है, आई होप कि वो ये व्लॉग देखेगी तो वो बहुत खुश होगी कि हम लोगों ने कितना फन किया। एंड सोफिया वी मिस्ड यू सो मच, हम लोगों ने हर पॉइंट पे आपको मिस किया। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता चले आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट्स में बताया करें। तो अभी हमारा एक छोटा सा स्टॉप है जियान के लिए, हमने फ्राइज लेने हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। और बारिश हो रही है, आई थिंक पूरे रास्ते में हमें बारिश मिलेगी और आज सारा दिन ही बारिश मिलेगी, बट हम इनडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम लोगों को मॉल जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है और फिर जो भी घूमे फिरेंगे आप लोगों को साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। सो टोरंटो वी आर कमिंग। सो गाइज हम लोगों ने एक शॉर्ट सा ब्रेक किया था और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक तो बनता है ना इतने लंबी ड्राइव में। थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल रहा था एंड इतना प्लेजेंट वेदर है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे लगा हमारा ट्रक लेके कोई जा रहा है, जो कि इसके नहीं वो था, बस फोर्ड था, बट डिटो दूर से लग रहा था कि वो हमारा ट्रक को लेके जा रहा है। चोरी हो गया? नहीं, चोरी नहीं हुआ। चले अंदर चलते हैं, फिर अभी हमारा स्पॉट आने में थोड़ा टाइम है। वो इज इट रियल आउल टॉम? ये रियल है आउल, ये देखो। गाइस वहाँ पे आउल बैठा है और पता नहीं वो रियल है कि नहीं, बट मुझे तो रियल ही लग रहा है ना, बट मूव नहीं कर रहा। थोड़ा टाइम वेट करते हैं कि क्या हमें ही तो नहीं देख रहा। चलो चलें, लेट्स गो। गाइस इस लड़की ने न्यू कार ली है अपनी और उसके साथ फोटोज बनवा रही थी, वो लगा हुआ था। और ये जो लड़की न्यू गाड़ी लेके निकली है और इसने आप देखो ऐसे रोड पे लगा लिया गाड़ी, आई थिंक ड्राइवर भी न्यू ही है ये। सो इसने यहाँ पे गाड़ी लगा ली है, अब उसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ओ माय गॉड, डीलरशिप से निकली है, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, और हमारी गाड़ी में ना मार देना, और पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया था। गाइज हम लोग काफ़ी टाइम से गाड़ी में बैठे हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ। अमर अपने काम कर रहा है और मैं और जियान गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब हमारी हो चुकी है बस और लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख। अब मुझे पता है अमर ने आके कहना है तूने क्या सर्च किया नियर बाय, क्या ऑप्शन है खाने के, क्योंकि वो मेरे पे डाल देता है खाने के ऑप्शन।
तो अभी मुझे सिर्फ जो सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है ना वो है कोई खान बाबा, शायद हम उस जगह पे पहले भी गए हुए हैं, मुझे श्योर नहीं है बट लग रहा है कि हम लोग पहले गए हुए हैं, तो शायद हम लोग वहीं पे जाके खा लेंगे क्योंकि वो 17 मिनट्स अवे दिखा रहा है और मुझे इतनी भूख लगी है। लाइक 12 बजे हम घर से निकले थे, 5 बज गए हैं, लाइक लंच का टाइम गुजर चुका है ऑलमोस्ट, तो इतनी भूख लगी है मुझे भी और जियान को भी, और बस हम जाएंगे और खाना खाएंगे, उसके बाद जो करना है बाद में देखा जाएगा, बट अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब मैं वेट कर रही हूँ अमर के आने का और फिर हम लोग फौरन से निकलें क्योंकि आई एम सो टाइर्ड। आप लोगों को मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, मेरी फ्रेशनेस मेरी कम हो गई है, आपको मैं डल डल लग रही होंगी, है ना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और मैं कोई नियर बाय, उससे भी नियर बाय कोई स्पॉट दिखता है तो वो देखती हूँ और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि अब वहाँ चलते हैं। तो स्टे ट्यून, चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। अब अमर बिल्कुल बाहर खड़ा है और जियान उसको देख देख के रो रहा है क्योंकि उसको बाहर जाना है, और मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि वो जियान को ले जाए मेरे पास से, बट उसका फोन कनेक्ट है कार से, कार प्ले से, तो वो गाड़ी में ही बजी जा रहा है, उसको पता भी नहीं चला कि उसका फोन बज रहा है। ओ माय गॉड आप लोगों को ये देखें ये यहाँ से देख रहा है जियान अपने डैडा को और देख देख के यहाँ से रो रहा है। सो गाइस, आफ्टर 1 आवर वेट करने के, जो 1 आवर मैंने वेट किया है उसके बाद अमर आ गया है और हम लोग आए थे स्टारबक्स। सेरिश को फॉलो करें, सेरिश को फॉलो करें। और अब हम लोग जहाँ पे हमने खाने का प्लान किया है वो 45 मिनट्स और आगे है, तो हमने सोचा कि छोटा सा यहाँ से थोड़ा सा स्नैकिंग कर लेते हैं। स्नैक्स ले लिए हैं हमने, जैनी के लिए थोड़ा सा कुछ लिया है और अमर ने अपने लिए कॉफ़ी लिया है, मैं जियान से शेयर कर लूँगी, फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा के आपको बताती हूँ कि कहाँ हम आए हैं। सो गाइज, हम लोगों को जो ऑप्शन मिला था अभी खाना खाने का वो था ये चीज़। अगर तो आप मिल्टन में हैं या नियर बाय GTA में हैं तो आप लोग यहाँ पे आके ये ट्राई करें, मैंने एक दो बार खाया है, पर हम ऑल द वे ही खाने आते हैं ये चीज़, मुझे इतना ज़्यादा सीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम गाड़ी में ही खाएंगे। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच गए, हमने कॉल पर ही ऑर्डर दे दिया था और अभी वो बोल रहे हैं 7:20 पे आपका ऑर्डर रेडी होगा, हम 7 बजे पूरे पहुँच गए हैं। एंड आई एम सो हंग्री, मैंने आप लोगों को 5 बजे बताया था कि मुझे लंच करना है और अब 7 बज गए हैं। 2000 years later. Finally, हमारा पराठा रोल आ गया है और बस अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी से दे दो भाई, जल्दी से। तो इसका नाम है ये चीज़, और ये वाकई में खा के ये ही चीज़ निकलता है। अगर आप लोगों ने कराची पराठा खाया है ना पहले लाइफ में कभी, तो आप लोग ये ट्राई करना क्योंकि कनाडा में आपको इस जैसा पराठा रोल कहीं से नहीं मिलेगा। सो गुड, हाउ इज इट? अमर ने फर्स्ट टाइम खाया, अच्छा है। उनका ना एक मायो भी है उनका स्पेशल, वो भी लोगों को बहुत पसंद है पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो डाल के ना इसका अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। सो लेट मी इन्जॉय माई पराठा रोल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, बाय बाय। तो अब मैं आ गई हूँ स्क्वेयर 1 मॉल में और मुझे क्विक सी शॉपिंग करनी है क्योंकि हमारे पास 1 आवर बचा है और मुझे महविश की बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट लेना है, तो आई एम इन रश, जो मुझे अच्छा और जल्दी मिल जाएगा वो मैं ले लूँगी। अमर मेरे पीछे पीछे है, मैं आगे आगे भाग रही हूँ क्योंकि बंद होने में कुछ ही समय बाकी है, वो तो ऑलरेडी बंद हो गए। अब मैं मैक पे आ गई हूँ, मुझे फाउंडेशन लेनी है, मेरी फाउंडेशन ख़त्म हो गई है। फाउंडेशन में मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, इनकी पेन फाउंडेशन, और ये वाली, तो ये वाली लूँगी। लेट मी आस्क कि ये इनके पास कहाँ पे पड़ी हैं। आई वांट दिस। सो गाइस, मैक की फाउंडेशन मैंने ले ली है, मैं उसके लिए पेंडोरा से कुछ लेना चाहती हूँ बर्थडे गिफ्ट, बट अभी रिसेंटली उसको गिफ्ट मिला तो इसलिए अभी मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ और ट्राई करती हूँ।